हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वेब पेज में आगे कोडिंग करेंगे। ओके, हमने अभी तक इस वेब पेज में यहाँ तक कोडिंग की थी, आज हम इस वेब पेज में इस चार इमेज की कोडिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं फटाफट वीएस स्टूडियो ओपन करता हूँ और यहाँ पे एचटीएमएल कोडिंग जो हमने पिछले कई वीडियो में की थी। ओके, तो यहाँ पर हम आगे कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग के नीचे यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा और उसका क्लास में रखूंगा हेड फोटो। ओके, और इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा और उसका क्लास में रखूंगा फोटो और दूसरा क्लास में रखूंगा फोटो वन। ओके, और यहाँ पे टोटल चार इमेज है। ओके, तो यहाँ पे मैं चार इमेज के लिए चार डिव क्रिएट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चार डिव का फोटो क्लास सेम रखूँगा। ओके, और फोटो वन क्लास चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा डिव का फोटो वन क्लास टू कर लेता हूँ, या मैं थ्री और या मैं फोर कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम उसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। फर्स्ट डिव में हम इमेज इंसर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज एंटर करूँगा और यहाँ पे SRC में, तो यहाँ पे मेरा इमेज इस फोल्डर के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फाइल के बाहर आने के लिए डॉट और स्लैश एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज सेट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एप्पल का इमेज रख लेता हूँ और यहाँ पे हम ऑल्ट में कुछ भी एंटर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ दिस फोटो इज सेल फोन। ओके, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। आप यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर माउस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करके कर सकते हो। और दूसरा तरीका, आप यहाँ से भी ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा फर्स्ट इमेज आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई भूल करी है। ओके, तो यहाँ पे ए डिव हमें इस फॉर्म के डिव के बाहर क्रिएट करना था। ओके, तो यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम इस इमेज की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं CSS फाइल में सबसे पहले एक कमेंट एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एप्पल फोन एंटर करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं चार फोन के लिए चार कमेंट एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कमेंट में कोडिंग करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले फोटो वन के अंदर इमेज सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फोटो वन क्लास सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर इमेज सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज को बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, और उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर में रेडियस रखता हूँ 10%। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारे इमेज को बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस आ चुकी। ओके, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप एंटर करता हूँ वो 2 रैम। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 रैम एंटर करता हूँ। ओके, तो हमारा सेम टू सेम इमेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम उसको लेफ्ट साइड में मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ्ट 1 रैम। ओके, हमारा इमेज कंप्लीट सेट हो चुका है।
तो यहाँ पे हमारे मेन वेब पेज में इस इमेज की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे मैं इमेज की हाइट एंटर करता हूँ 180 पिक्सल, ओके ओके। तो यहाँ पे हमारा इमेज सेम टू सेम हो चुका है, ओके। अब हम यहाँ पे इस तीनों इमेज को सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज एंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस तीनों में पेस्ट कर दूँगा, ओके, कंट्रोल वी से। तो यहाँ पे हमारी दूसरी इमेज है ओप्पो फोन, तो यहाँ पे मैं ओप्पो फोन सिलेक्ट करूँगा। और तीसरी इमेज है एमआई फोन, ओके, तो यहाँ पे मैं रेडमी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं वीवो फोन सिलेक्ट कर लूँगा, ओके ओके। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे तीनों फोन आ चुके, ओके। अब यहाँ पे हम उसमें कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेड चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फोन था ओप्पो, तीसरा एमआई और वीवो, ओके। तो यहाँ पे मैं ओप्पो एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एमआई और यहाँ पे मैं वीवो एंटर करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं ओप्पो में, अब यहाँ पे मैं इस फोटो टू को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं फोटो टू सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे फोटो टू क्लास है, इसके लिए हमें डॉट लगाना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे मैं इस तीनों फोटो को फ्लोट दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं फोटो टू को फ्लोट करता हूँ राइट, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसको, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं फोटो थ्री कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फोटो फॉर कर देता हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पे गलत हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इस तीनों को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट देता हूँ लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ओप्पो फोन को फ्लोट दूंगा लेफ्ट, एमआई को फोन को फ्लोट दूंगा लेफ्ट और यहाँ पे वीवो को फोन को फ्लोट दूंगा राइट। और यहाँ पे मैं रन करूँगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे इमेज आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे हम इस इमेज को कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस चारों में मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने गलती से फोटो के अंदर इमेज एंटर किया था, ओके। तो यहाँ पे मुझे फोटो वन के अंदर इमेज एंटर करना था, ओके। तो यहाँ पे मैं फोटो वन एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फोटो टू एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं फोटो थ्री और यहाँ पे फोर, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फोटो टू में बॉर्डर हटा देता हूँ और यहाँ पे फोटो थ्री और फोटो फोर में बॉर्डर हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारे इमेज सेम हो चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे हम इस इमेज के लेफ्ट में मार्जिन देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट में 10 रैम एंटर करते और फोटो थ्री में मार्जिन लेफ्ट में 10 रैम एंटर करते, ओके। और फोटो फोर में मार्जिन राइट एंटर करेंगे 10 रैम, ओके ओके। तो हमारा सेम टू सेम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे मेन पेज में उसकी हाइट ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे हम हाइट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोटो टू की हाइज रखता हूँ 200 और यहाँ पे फोटो थ्री की हाइज भी 200 रखता हूँ
और यहाँ पे फोटो फोर की हाइट में 200 रखता हूँ। ओके तो ओके तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट इमेज सेट हो चुके। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे चारों इमेज सेट हो चुके। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और ऐसे ही कोडिंग और वेबसाइट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।